और इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बात बात की है, कुछ हमने बोर्ड्स पे भी लिखा है। इन्होंने कहा था कि एक अच्छा स्कूल मिल सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, दिस इज नॉट द गारंटी। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है वो कौन देगा? शिक्षक। तो हो सकता है स्कूल बहुत बढ़िया हो, लेकिन शिक्षक जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो शिक्षक के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती। और आज मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही, यानी चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, हमारे देश की बात हो, कंबोडिया हो, आपका सीरिया हो, अगर कहीं कोई परेशानी है तो इसका मतलब वहां के शिक्षक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। यानी एजुकेशन कहते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी एजुकेशन को बर्बाद करो, उसके एजुकेशन को हिट करो, उसके बाद अपने आप ही हो जाए। तो इसमें मैं आपसे स्पेशली स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं उनके साथ आप उनसे जितना आप ले सकते हैं, और ये नहीं कि 12वीं पास कर लिया है ऐसे हो गया। अभी मैं आज की बात आ रही थी, कोई यानी हमारे एसएससी में एक मैडम है तो उनका बेटा इस बार ट्वेल्थ करके जा रहा है, तो हमने उनको कहा कि हम यानी स्कूल के साथ और स्कूल के बाद, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप ट्वेल्थ करके जाएंगे तो उसके बाद गए, नहीं, आपकी रिलेशनशिप रहेगी। अगर आपको कहीं पे गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको कहीं बताना है कि क्या कोर्सेज के लिए आपको काउंसलिंग करनी है, तो हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि टीचर का रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर ग्रेड से नहीं होता, एक क्लास से नहीं होता, उसका एक एसोसिएशन है। तो ये सारी चीजें एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ पे कोर्ट भी लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता जो फिलिप थे वो पहुंचे थे अरस्तु के पास, एरिस्टोटल। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये खुशी है कि मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी इसमें है कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति तब हुई है जब अरस्तु जैसे शिक्षक हमारे पास है। तो मतलब कहने का मतलब है कि उनको ये था कि इनको, फिर अलेक्जेंडर ने क्या कहा, अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरे फादर ने जो मुझे यानी बर्थ दी, लिविंग दी, लेकिन जो वेल बीइंग थी, जो वेल लिविंग थी, कैसे लिव करना है, क्या करना है, वो टीचर्स ने। तो जितने भी कोर्ट हमने यहाँ पे कोर्ट आपको दिए हैं, जैसे अभी सभी ये बोल रहे थे कि टीचर सोसाइटी का हीरो, और ये एजुकेशन जो है आपको टीचर देगा। तो जो पासपोर्ट ऑफिस से जो आपको वीजा मिलेगा वो फॉर्मेलिटी के लिए तो वहां मिलेगा, लेकिन ये टीचर्स आपको ये पासपोर्ट बना के देंगे, क्योंकि इसके बेस पे आप जाओगे, इसके बेस पे आप वहां पे बाहर कुछ काम करोगे। इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा है कि टीचर इंस्पायर्स होप, होप आपको देता है, एक इग्नाइट आपके माइंड को करता है, और आपकी जो यानी आपके अंदर ऐसी जो फीलिंग है लव की फीलिंग, उसको इंस्टिल करता है। यहाँ पे कोई रिलीजन, कोई जाति, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है। टीचर के लिए सबसे बढ़िया वो स्टूडेंट होता है जो मतलब उसकी शिक्षा अच्छी ग्रहण कर रहा है, उसको ये नहीं दिखता कि बहुत स्मार्ट दिख रहा है या बहुत रईस माँ बाप का बेटा है, नहीं, उसको तो वो बच्चा सबसे प्यारा लगता है जो उसकी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है, अपना टेम्पो अच्छा बना के रखा है। तो ये सारी चीजें जो आपके लिए हमने यहाँ पे आज यानी डेलिबरेटली हमने जो टीचर्स डे को आपके साथ सेलिब्रेट करने को कहा, इसीलिए कहा कि 12th क्लास के बच्चे रुकेंगे क्योंकि आप एक साल हमारे साथ हो, इसके बाद आप कॉलेजेस में जाएंगे। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जो कि आपके पूरी लाइफ को फ्रेम करेगी। और फिर मैं कई बार बोलता हूँ कि एजुकेशन का मतलब कोई बहुत बड़ा जॉब करना या फैक्ट्री चलाना, ऐसा नहीं है। एजुकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड भी लोग कर, जो शॉप कर रहे हैं वो भी एजुकेशन कर, बस एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन आपको एक अच्छा जीवन देगी, आप हैप्पी रहेंगे, चाहे आपकी अर्निंग कुछ है, चाहे आप एक शॉप चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप हैप्पी रहेंगे। अगर आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे वाले लोगों को आपने कष्ट में देखा होगा, जेल में देखा होगा, या किसी यानी गलत तरीके से देखा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यानी देश की शिक्षा है वो बहुत अच्छा हो, बहुत उसमें यानी चढ़ाओ। वैसे तो हमारा देश पहले ही शिक्षा के लिए माना जाता है, और एजुकेशन जो राधाकृष्णन को एक बार और बोल करूँगा, लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने कहा था, मतलब देखो कितना बड़ा दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को तो हम भगा सकते हैं देश से, लेकिन अंग्रेजी को नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कोई अंग्रेजों की यानी वो वसीयत नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। तो उन्होंने कहा था जितनी भी भाषा हम ग्रहण करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, और आपके ऊपर भी है, आप स्पेनिश पढ़े, जर्मन पढ़े, तो कई बार हम क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं कि इंग्लिश को हम एक विदेशी से रिलेट करते हैं। तो भाषा जितनी भी आप पढ़ेंगे, जितनी
भी आप सीखेंगे, उससे आपका फायदा होगा। और जो सबसे बड़ी जो प्रेरणा हमको ये लेनी है कि हमें एजुकेशन के प्रति, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसको डेडिकेटेडली अच्छी तरह से पढ़ना है। इनके विचारों को आप पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लंबा टाइम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, और अपने जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखो, आपको कहीं भी